डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स लेक्चर 5 के रूप में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम अवगत कराना चाहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने आपको कई लेक्चरों के रूप में आपको अवगत कराया गया है। आज हम लेक्चर 5 के रूप में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो आपका लेक्चर लेक्चर 5 ये आपका क्लास 10 फिजिक्स बताया जा रहा था। अब इसमें क्या है आपको समझना होगा। इसके पहले आप यही जानिएगा कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन न होने की शर्तें, इसका हिंदी में अर्थ बेटा प्रकाश के अपवर्तन न होने की शर्तें, तो किस कंडीशन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती है, आप इसको समझ लीजिए। ये आपकी हेडिंग है बेटा, तो पहले आप समझिए उसके बाद लिखेंगे। हमने आपको ये बताया था बेटा कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये आपकी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है बेटा। और अपवर्तन होता है जब ये लाइट की रे आती है बेटा, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल या अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन न होने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर प्रकाश आ रहा है तो वो सीधे चला जाएगा अपने मार्ग से, विचलित नहीं होगा। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित न हो, वो सीधे चला जाए, स्ट्रेट लाइन में चला जाए बेटा, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। तो हमने बताया था पहले माध्यम ये दूसरा माध्यम, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है,
ये मान लीजिए बेटा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो अपने मार्ग से प्रकाश विचलित हो गया, अभिलंब से दूर चला गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। कौन इसमें आई होता है, कौन आर होता है? ये कौन आई होता है बेटा, ये कौन आर होता है? तो अपवर्तन न होने की शर्तें क्या है, ध्यान दीजिए। आई का मान कब 90 होगा, आई का मान कब 0 होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये आई जो है ये इंसिडेंट रे है बेटा, और ये रिफ्रेक्टेड रे है, ये रिफ्रेक्टेड रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो आई जो एंगल बना हुआ है इस नॉर्मल से और इस इंसिडेंट रे के बीच का कोण है, वही आपका आई है। तो आप बता सकते हो आई का मान कब 90 होगा, आई का मान कब 0 होगा बेटा? आई का मान 90 तभी होगा, ध्यान दीजिए, ये देखिए आप लोग, ये ध्यान दीजिए, समझने की बात है यहाँ बेटा। यही जो एंगल नॉर्मल से बना हुआ है, यही आपका आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल है। अगर हम इसको पढ़ाना चाहे बेटा, तो अगर ये ऐसे आती है, देखिए ये एंगल का मान, ये एंगल का मान बढ़ रहा है। अगर ये रे ऐसे आई होती बेटा ऐसे, तो ये एंगल का मान देखो 90 डिग्री। अब कब नीचे की तरफ आ रहे हो बेटा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आ रहे हो तो आई का मान बढ़ रहा है। आप ऊपर की तरफ जाओगे बेटा, नॉर्मल की तरफ जाओगे, तो इस आई का मान डिक्रीज होगा, कम होगा। देखो ये तुम्हारा यहां से बेटा आई है, आई का मान कब कम होगा, जब ये रे देखो ये ऐसे जाए, आई का मान इतना हो गया। अब ऐसे आएगा तो आई का मान और कम हो गया। अगर ये रे जो है अगर इस पे आ जाए, नॉर्मल पे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो आई का मान 0 हो जाए। तो आई का मान 0 कब होगा बेटा, तो आई का मान देखिए, ये आपका नॉर्मल है, तो आई का मान 0 कब होगा, आई का मान 90 डिग्री कब होगा? दोनों बात को समझो बेटा, ये आपका नॉर्मल है, आई का मान 90 डिग्री बनाना होगा बेटा, तो ये रे को ऐसे लेके जाना, ऐसे ये रे है, ये रे, रे का मतलब किरण बेटा, और जो रे आ रही है और जो नॉर्मल है बेटा, उसी के बीच का कोण ये आई होता है। फिर से देख लें, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण है बेटा, यही आई कहलाता है, यही आपतन कोण है। तो यह इस वाले फिगर में बता सकते हो बेटा कि आई का मान क्या हो सकता है। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है बेटा, और वह नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितने अंश का कोण है, देखिए मैं तो समझ रहा हूं कि 90 डिग्री का एंगल है, 90 अंश का कोण बन रहा है बेटा। तो यहां पे आई का मान जो होगा, यहां पे आई का मान होगा बेटा 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री हो गया, ये आपने पहला फिगर बनाया, ये दूसरा फिगर है बेटा, ये तीसरा फिगर है, समझिएगा। इसमें रे को ऐसे डाल दो बेटा, ये रे है, ये रे है, इसी को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ये इंसिडेंट रे है बेटा, इंसिडेंट रे है। तो आप बता सकते हो कि जिधर नॉर्मल है, जिधर नॉर्मल है उसी दिशा में इंसिडेंट रे भी है। तो उसी दिशा में जब इंसिडेंट रे भी है बेटा, तो यहां आई का मान
आई का मान जो होगा वह जीरो होगा। यहां जो आई आपतन कोण का मान है बेटा, आई का मान जीरो। फिर से समझ ले, एंगल निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे बेटा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। कंडीशंस ऑफ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपको लेक्चर कई दिए गए हैं। अब ये लेक्चर आगे वाला पांचवा, अब इसमें हमें ये बताना है बेटा, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसका अर्थ हुआ बेटा प्रकाश के अपवर्तन न होने की शर्तें, यानी प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होगा, किस कंडीशन में, किस हालात में प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होने की क्या पहचान है बेटा, जो लाइट की रे है, जो प्रकाश की किरण है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स या बेंट टू नॉर्मल्स। इसी फेनोमेना को, इसी इवेंट को, इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर लाइट रे बेटा अपने मार्ग से विचलित न हो, अगर वो सीधे चली जाए बेटा, सीधे चली जाए, तो समझ लेना कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। अपवर्तन तभी होगा, तभी माना जाएगा जब प्रकाश की रे जाते जाते बेंड हो जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। अभी तो हमें कंडीशन बताना है, इसको बताने के लिए इस कंडीशन को हमें कोण आई, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल की बहुत अत्यंत आवश्यकता है बेटा। अब आई को फिर से हम समझा रहे हैं, आई का मान कब जीरो होगा, आई का मान कब 90 डिग्री होगा, इसको समझिए। आई किसके बीच कोण है बेटा, आई जो आपतन कोण बना हुआ है वह नॉर्मल, देखिए फिगर में देखिए, वह नॉर्मल तथा इंसिडेंट रे आपतन कोण के बीच का एक एंगल है, उसी को हम इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण बेटा, तो ये बता सकते हो कि आपतन कोण का मान कब कम होगा, डिक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा जब नीचे लेके आओगे इस रे को, नीचे लेके आओगे बेटा, इस रे को नीचे लेके आओगे, देखो एंगल का मान, कोण का मान बढ़ रहा है, और नीचे लेके आओगे, ऐसे लेकर आओगे, इतना इस एंगल का मान इतना हो गया, बढ़ रहा है। जब रे को ऐसे कर दोगे बेटा इस तरह, तो एंगल का मान, जो आपतन कोण का मान है, ये बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा, जैसा कि वहां फिगर बना हुआ है। कब इस आपतन कोण का मान जीरो होगा बेटा, इस आई का मान कब जीरो होगा, अगर इस रे को, इंसिडेंट रे को अगर हम नॉर्मल की तरफ लेके जाएं, तो देखिए नॉर्मल की तरफ आई का मान कम हो रहा है, और उसके पास लेके जाएं नॉर्मल की हो, तो आई का मान और कम होगा, और उसके पास लेके जाओ बेटा, देखो आई का मान डिक्रीज हो रहा है, तो इतना ही कोण बचा है बेटा। अब और करीब लेके जाओ तो आई का मान और कम हो गया, जब इस पे लेके आ जाओगे बेटा इस पे, तो आई का मान घट करके जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आई, अब इसमें देख लीजिए, आई तो पहले समझ लीजिए, आई किसके बीच का कोण है, आई जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो इंसिडेंट रे इस वाले फिगर में देखो बेटा, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे देखिए उस फिगर में, तीसरे फिगर में इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है। तो
इंसिडेंट रे ऐसे आपकी है, नॉर्मल ऐसे है, इसके बीच कितने का कोण है? तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, देखिए यहां पे ये इंसिडेंट रे है बेटा, और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये देखिए कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब इसमें आई का मान जीरो क्यों हुआ बेटा, आइए इसको समझेंगे। ये आपका देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक, और नॉर्मल भी उसी दिशा में है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल उसी दिशा में पैरेलल है, समांतर है, एक ही दिशा में दो रेखाएं हो, समांतर हो, उनकी दिशा एक ही हो, तो उनके बीच का जो कोण बनता है बेटा वो शून्य होता है, समांतर है। समांतर के कारण जो है इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो जीरो बन रहा है। फिर से देखें, ये बेटा नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपका है, इसी नॉर्मल पे ये इंसिडेंट रे आ रहे हैं, ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं बेटा, तो ये पैरेलल हो गए, समांतर हो गए, तो इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होगा, इनके बीच का कोण जीरो होगा। उस वाले में 90 डिग्री, तीसरे वाले फिगर में 90 डिग्री कैसे हो गया बेटा? देख लो, ये आपका नॉर्मल है और ये इंसिडेंट, तो ये नॉर्मल अभिलंब और ये इंसिडेंट रे जा रहे हैं, दोनों कितने अंश के कोण पे काट रहे हैं? दोनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा? तो कब जो है प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, अब इसको हम बताने जा रहे हैं। फिगर आप बना लिए होंगे, अभी नोट कर लीजिएगा इस फिगर को, इसमें अब हम आगे लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ का मतलब हुआ बेटा स्नेल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार क्या कहते हैं स्नेल, साइन आई और साइन आर बराबर N2/L1 या यल लिखा जाता है बेटा, ये लिखा जाता है। इसी दो को लेकर चलो बेटा, इसको ले लो और इसको ले लो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी लेकर हल करोगे तो आपका ये कंडीशन आ जाएगा। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल N2/L1 इक्वल यन, ये स्नेल का रूल है, स्नेल का नियम है। तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल N2/L1 लिखे, चाहे साइन आई बटे साइन आर बराबर यन लिखे, दोनों सही है बेटा। अब देखिए ये आई का मान इसमें नॉर्मल डाले हैं, अभिलंब डाले हैं, लंब पृष्ठ के लंबवत डाले हैं, तो आई का मान जीरो है। तो यहां लिखोगे बेटा साइन 0/sin r बराबर यन, साइन जीरो का मान क्या होगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो साइन जीरो का मान बेटा जीरो होता है, 0/sin r बराबर यन, यन यहां लेकर आइए, साइन को वहां लेके जाइए बेटा, बोलिए यन को यहां लेकर आइए, तो 0/n बराबर साइन आर, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे बेटा तो जीरो ही आएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दोगे जीरो आएगा, अब बराबर साइन आर। जीरो साइन में किसका मान जीरो होता बेटा, याद कर लो, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, साइन जीरो का मान बेटा जीरो होता है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, साइन 45 का मान होता है
बटे कड़ी में दो, साइन बचा 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। तो साइन 0 का मान 0 है बेटा, तो 0 के जगह ये 0 जो लिखे हो, इस 0 के जगह आप लिख सकते हो साइन 0। तो इस 0 के जगह बेटा लिख सकते हो साइन 0। तो साइन 0 बराबर साइन आर। अब इसको तुलना कर दो बेटा, साइन साइन हटा दो, कैंसिल नहीं करना होता है, साइन साइन हटा दो या कंपेयर कर लो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, साइन साइन हटा दो बेटा तो आर बराबर क्या आएगा बोलिए, इसलिए आर का मान 0। तो यहां आर का मान 0, आई का मान 0, तो आर का मान 0 कब होगा बेटा, समझ लो पहले, ये आई होता है और ये आर होता है, आर कब 0 होगा कोई बता सकता है इस फिगर में, आर कब 90 डिग्री होगा और कब 0 होगा, अगर ये रे बेटा इधर गई होती तो 90 डिग्री का कोण बन जाता, तो ऐसे रे गई होती बेटा, ये किरण आई ऐसे निकल गई तो यहां आर का मान 90 डिग्री, क्यों कब आर का मान 0 होता बेटा बता सकते हो, अगर रे ऐसे आई इस पे चली आई, इस पे चली आई तो आर का मान क्या हो गया, आर का मान 0। तो आर का मान कैसे निकाला जाएगा आपको समझ में आया, इसे देखिए ये नॉर्मल होता है बेटा, तो ये नॉर्मल है, ये आई ये आर है, आर का मान देखिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, आर किसके बीच का एंगल, ये इंसिडेंट रे है बेटा, आर किसके बीच का कोण है, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का कोण है, तो बताइए आर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच आर है तो आर का मान 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कब होगा बोलिए, ये ऐसे हो जाता 90 डिग्री, 0 कब होगा, ये इधर आया होता, ये घट रहा है, घट रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ये आर का मान 0 हो जाएगा, ये आर का मान कैसे बढ़ेगा, देखिए आर बढ़ रहा है, यही आर है, यही आर, देखिए आर बढ़ रहा है, ये आर है, ये आर, ये आर का मान 90 डिग्री, अब आर कब 0 होगा बेटा, ये देखिए आर, अब आर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज, अब एकदम 0 के करीब आ रहे, 0 हो गया, तो आर का मान ऐसे निकल जाता है, तो बता सकते हैं कि ये फिगर कैसे बनेगा, आर का मान 0 कब होगा, जब ये रे उसी पर आ जाए, ये रे इसी पर आ जाए, तो ये रे जो है इसी पे आ जाए, तो आर का मान 0, तो बोलिए इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, प्रकाश अगर लंब के रूप में आ रही है तो सीधे निकल जा रही है, देखिए कहीं विचलित हुई है, जिस रूप में आ रही है बेटा उसी रूप में निकल जा रही है, तो क्या प्रमाण मिला, पहला प्रूफ क्या मिला, प्रकाश के अपवर्तन न होने की शर्त क्या हुई बेटा, अगर हम प्रकाश की किरण को पृष्ठ के लंबवत ऐसे ऐसे डालेंगे, पृष्ठ के लंबवत ऐसे डालेंगे, वह सीधे निकल जाए, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, तो प्रकाश का अपवर्तन जब हम प्रकाश की किरण को अभिलंबवत डालेंगे, नॉर्मल के रूप में डालेंगे, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता, तो लिखिए उसके बाद नोट करिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण को पृष्ठ के लंबवत या अभिलंब के अनुदिश या अभिलंब के समांतर
डाला जाता है तब प्रकाश का अपवर्तन, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। आप इसको नोट करेंगे, जल्दी नोट करें, आपको समझ में आ गया होगा आई एंगल कैसे निकाला जाता है, आर एंगल कैसे निकाला जाता है। तो पहली कंडीशन हमने आपको बता दिया कि प्रकाश की रे को अगर नॉर्मल के अनुदिश, नॉर्मल के समांतर या पृष्ठ के लंबवत अगर डालते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। बेटा प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है, आप लिख लिए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए आप, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, दूसरा कंडीशंस, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट समझ लो बेटा, दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट करेंगे। ये आपकी बेटा बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बेटा नॉर्मल है। आपसे कोई पूछे नॉर्मल किसे कहते हैं, यहां नॉर्मल की परिभाषा है बेटा जो पृष्ठ पर, सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा बेटा, तो 90 डिग्री का कोण जो बना रहा है ये यही नॉर्मल है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं बेटा। चलिए अपवर्तन न होने की स्थल, अगर दोनों इस बाउंड्री के दोनों तरफ, इस बाउंड्री के दोनों तरफ का मीडियम, माध्यम अगर सेम, तब क्या होगा बेटा, जिस माध्यम से प्रकाश आता है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आता है, आती है, उस माध्यम के अपवर्तनांक को n1 माना जाता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है बेटा, उस माध्यम के अपवर्तनांक को n2 माना जाता है। अगर दोनों मीडियम सेम, इफ मीडियम सेम, जब मीडियम सेम होगा बेटा, तो जब दोनों का मीडियम सेम है, ये बाउंड्री है बेटा, समझ लो ये बाउंड्री है, इधर एक मीडियम है, इधर एक मीडियम बेटा। सेम का मतलब क्या होगा कि अगर इधर एयर है बेटा, इस बाउंड्री के ऊपर एयर है तो नीचे भी एयर होना चाहिए, इस बाउंड्री के ऊपर अगर वाटर है तो इस बाउंड्री के नीचे भी वाटर होना चाहिए, इस बाउंड्री के ऊपर अगर ग्लास है, शीशा है, तो इस बाउंड्री के नीचे भी शीशा होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए। ये सेम मीडियम का मतलब हुआ बेटा। तो जब ऊपर भी एयर है बाउंड्री के और नीचे भी एयर है बाउंड्री के, तो दोनों एयर है, तो जब एयर है तो इनके अपवर्तनांक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सेम होगा। इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, n1 बराबर n2। ये तभी लिखना बेटा जब बाउंड्री के दोनों ओर का मीडियम क्या है, सेम। सपोज इधर एयर है, तो जब ऊपर एयर है बेटा तो नीचे भी क्या कर लेना, एयर बना लेना। अब ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे, नो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हुआ बेटा, प्रकाश यदि प्रकाश अपने मार्ग से डेविएट न हो, विचलित न हो, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, नो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा कंडीशन समझिए, अब यहां पर लगाएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार। स्नेल जी क्या कहते हैं बेटा, साइन आई
ऑफ बटे साइन आर बराबर एन टू बटे एन वन बराबर। अब देखिए बेटा एन वन और एन टू मान लो, इसलिए इसको लेकर चलना, इसको लेकर चलना बेटा, इसको भी लेके जा सकते हो, दोनों सेम है बेटा, तो दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, दोनों सेम है कट जाएगा, कटने के बाद क्या आएगा बोलिए, साइन आई अब बटे साइन आर इक्वल, जब दोनों सेम है इक्वल है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपस में कट जाएंगे तो यहां एक बचेगा, एक अगर एन वन का मान दो है बेटा तो एन टू का भी मान दो होगा, दो में से दो भाग करेंगे तो एक आएगा, यानी इस एन का भी मान एक आएगा, इससे भी हल कर सकते हैं और एन टू बटे एन वन से भी हल कर सकते हैं। चलिए एन टू का मान तीन है बेटा, तो एन वन का भी मान तीन होना चाहिए क्योंकि मीडियम सेम है, तो तीन में तीन से आप भाग दे दोगे बेटा तो एक ही ना आएगा, यानी एन का मान एक आएगा, तीन दोनों से भी हल कर सकते हो, यानी कट गया, कटने के बाद एक आ गया, तिर्यक गुणा कर दो बेटा, तिर्यक गुणा कर दो तो साइन आई अब बराबर साइन आर, तो साइन साइन हटा दो बेटा, इसलिए साइन साइन हटा दो तो आई इक्वल, तो कोण आई का मान, कोण आई का मान कोण आर के बराबर है, तो अगर ये कोण आई है बेटा तो जितना कोण आई है उतना ही कोण हमें आर बनाना है, तो बता सकते हैं कि वह रे कैसे जाएगी तो आई और आर का एंगल बराबर होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप ऐसे लेकर जाओ तो ये आर होगा, तो आर जो आई से बड़ा हो गया, गलत हो गया, हमें आई और आर बराबर लाना है, तो ये तो फिगर गलत हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बना लिए, चलिए यहां आर का मान बेटा आई से कम हो गया या आई ज्यादा है आर से, यह भी गलत हो गया, तो बता सकते हो कि फिगर कैसा बन सकता है जिसमें आई और आर, कोण आई और कोण आर का मान बराबर हो जाए, तो इसको सीधे लेकर आओ बेटा, ये सीधे लेके आओगे, देखो ये आप सीधे लेकर आओगे, ये कोण आर है, यहां कोण आई जो है बेटा कोण आर के क्या है बराबर है, बराबर हो गया, फिगर बन गया, तो क्या यहां प्रकाश की किरण कहीं बेंट हुई है, कहीं मुड़ी है, कहीं विचलित हुई है, डेविएट हुई है, नहीं, यहां पे प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, यहां कह सकते हैं क्या नो रिफ्रेक्शन, नो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, हम कह सकते हैं नो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कैसे पहचान गए, अगर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, सीधे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि यहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। तो कब नहीं होगा बेटा दूसरा कंडीशन, जब बाउंड्री के पृष्ठ के दोनों तरफ का अगर माध्यम सेम है, बराबर है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है। तो पहले लिखिए तब नोट करिएगा, यदि पृष्ठ के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तब प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं हो सकती है, आप इसको नोट करें बेटा,
ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आज बताया कि प्रकाश का अपवर्तन किस हालात में, किस कंडीशंस में नहीं हो सकता है। तो हमने दो कंडीशंस आज बताया है, उसको हमने प्रमाणित भी किया है, प्रूफ भी किया है। दो कंडीशंस में हमने पहला कंडीशंस बताया बेटा कि यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ के लंबवत या नॉर्मल के अनुदिश या नॉर्मल के समांतर यदि डाली जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दूसरा कंडीशन हमने बताया है, प्रमाणित भी किया है कि यदि बाउंड्री या पृष्ठ के दोनों तरफ का माध्यम समान हो तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं होगा। इसको हमने स्नेल के नियम से प्रमाणित किया है, प्रूफ किया है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, साइन आई बटे साइन आर एन टू बटे एन वन बराबर एन। आप लोग कह रहे हैं कि एन को क्यों नहीं लेकर चलना, एन को भी लेकर चलिए। देखिए एन टू और एन वन सेम है बेटा, एन वन का मान दो है, एन टू का मान भी तो दो होगा क्योंकि मीडियम सेम है। तो दो में दो से भाग करोगे तो एन का मान कितना आएगा, इस एन का मान कितना आएगा, एक आएगा, एक बटे एक, एक बटे एक हमने लिख दिया बेटा। और तिरियक मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, साइन साइन हटा दो, या ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब इनके एंगल आपस में बराबर हो। तो साइन साइन हटा दो, या ये तभी संभव है जब इनके एंगल, इनके कोण आपस में बराबर है, अर्थात आई और आर हमने बराबर लिख दिया, साइन साइन हटा दिया तो आई और आर ये हमने बना दिया, प्रकाश सीधे निकल गया। तो प्रकाश सीधे चला गया बेटा, तो यहां प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। इसी के साथ सभी बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।